कोई ने पूछा है, सरेंडर कन्या मधुबन में रहेगी जो हद का पढ़ाई माने लिखना पढ़ना क्लास टाइम में जाना क्लास करना कर सकते हैं क्या? माना पूछने का मतलब यह है कि कोई कन्या सरेंडर हो जाए तो सरेंडर होने के बाद हद की पढ़ाई पढ़ सकती है? हद की पढ़ाई लिखना पढ़ना क्लास करना ये कर सकती है क्या? कर सकती है, लेकिन बाहर की दुनिया में रहकर नहीं। अगर नाबालिग है, क्योंकि पढ़ाई कब तक होती है? है पढ़ाई कब तक होती है? बुढ़ापे तक होती है या बालिग होने तक होती है? मोस्टली पढ़ाई कब तक होती है? बालिग होने तक होती है। तो जब तक कन्या बालिग न हो तब तक ये लौकिक पढ़ाई पढ़ सकती है, लेकिन बाहर की दुनिया में रहकर नहीं। कहाँ रह करके? है बाबा का ही मधुबन हो, बाबा के बच्चों का ही संगठन हो, बाबा के ही द्वारा निमित्त बनाए हुए टीचर्स हो, बाबा का ही बनाया हुआ हॉस्टल हो, हॉस्टल कम स्कूल, तो पढ़ाई पढ़ सकती है। शंकर की निराकारी स्टेज 76 में बन गई। अच्छा 100% बन गई या परसेंटेज में बन गई? है परसेंटेज में बन गई, लेकिन वो शंकर अभी शिव समान नहीं बना। शिव की निराकारी स्टेज सदाकाल रहती है, 100% रहती है या कभी रहती है कभी नहीं रहती है? शिव की तो सदाकाल रहती है, तो उस निरंतर याद में शंकर की स्टेज शिव समान बन गई या बन रही है या बन जाएगी? बन रही है और बन भी जाएगी। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो बताएं, निराकारी स्टेज और शिव समान स्टेज में क्या अंतर है? शिव सदाकाल के लिए निरंतर निराकारी स्टेज वाला है और शंकर सदाकाल के लिए निरंतर निराकारी स्टेज वाला है, या शंकर भी पढ़ाई पढ़ने वाला है? तो पढ़ाई पढ़ने वालों को डायरेक्शन क्या मिला है बाप दादा का? अभी अभी निराकारी, अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी स्टेज में स्थित होना है। तो शिव के लिए ये डायरेक्शन है या शंकर के लिए डायरेक्शन है?
या शंकर की तरह जो भी निराकारी स्टेज के पुरुषार्थी हैं, सबके लिए ये डायरेक्शन है, सबके लिए डायरेक्शन है। बनेंगे तो नंबरवार ही। और बिल्कुल नहीं बुलाना चाहिए, वो तो शाम को भी लिया तो लागू होता है क्या? बिल्कुल, रात में घर में जाना बच्चियों को अच्छा नहीं है, आज की दुनिया बहुत खराब है, हैं? हाँ हाँ, शाम को 7 बजे दिन डूबता है, 7:15 बजे 7:30 बजे के बाद रात हो जाती है, तो क्लास नहीं होना चाहिए उस समय के बाद। और कितने धीरे क्यों बोल रहे हैं आप? हैं? हाँ, जगदम्बा आने की निशानी, जगदम्बा आने की निशानी, कहाँ आने की? मैदान में आने की निशानी। जगदम्बा पहले किसकी अम्बा है? जगदम्बा पहले किस कुल की अम्बा है? हैं? चंद्रवंश की पहले अम्बा है। तो जो चंद्रवंशी हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, उनके आने की क्या निशानी दिखाई पड़ रही है कि वो ब्राह्मणों की दुनिया में हैं? उनकी मौजूदगी की कोई निशानी दिखाई पड़ रही है कि वो चंद्रवंशी ब्राह्मणों की दुनिया में हैं? और उनसे सूर्यवंशियों की लड़ाई हो रही है, वो सूर्यवंशियों को अपना दुश्मन समझते हैं, इसकी निशानी कुछ दिखाई पड़ रही है? अरे कुछ भी निशानी सामने नहीं आ रही। अरे इतने एडवांस के स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं जो अपनों को सूर्यवंशी कुल के समझते हैं, उनको कभी धक्का नहीं मिला चंद्रवंशियों से? है? बहुत सारों को मिला, तो निशानी समझ में नहीं आई है? चंद्रमा को मानते, चंद्रमा सूर्य को नहीं मानते। हाँ, वो चंद्रमा को मानते हैं, भगवान कृष्ण को भगवान मानते हैं, सूर्य को भगवान नहीं मानते। ये भी नहीं जानते कि सूर्य है कौन, लेकिन आपने तो ये पूछा है कि उनके आने की निशानी क्या है। ब्रह्मा कुमारियां प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियों का अपोजिशन करती हैं या नहीं करती हैं? ये निशानी नहीं है? है या नहीं है? तो ब्रह्मा कुमारियों की सबसे बड़ी सरपरस्त कौन है? उन चंद्रवंशियों की बड़े से बड़ी हेड कौन है? है? जगदम्बा। और वो ब्रह्मा कुमारियां ज्यादा होशियार होंगी वाद विवाद में या उनकी अम्मा ज्यादा होशियार होगी? हैं? अम्मा बहुत होशियार होगी। यही निशानी है। और जैसे गीता दो है वैसे काशी भी दो है। वैसे दो काशी है, काशी दक्षिण काशी और उत्तर काशी। बाद में आने वाला पुरानी कौन है और नई कौन है? पहले आने वाली कौन है और बाद में आने वाली कौन है? हैं? पहले उत्तर काशी, बाद में
दक्षिण काशी। तो बताओ कि जो गीता दो हैं उनमें डुप्लीकेट गीता पहले है या असली गीता पहले है? हैं? डुप्लीकेट बाद में बनता है और असली असली पहले होता है। और जो असली गीता है वो कृष्ण की माता है या कोई दूसरा संबंध है? कृष्ण की भी माता है लेकिन कृष्ण गीता का भी क्या बनकर बैठ जाता है? भगवान बनकर के बैठ जाता है। और हैं चक्रव्यूह माना क्या है? चक्रव्यूह माने क्या है? चक्र माने ये षष्ठी चक्र और व्यूह माने जिसकी रचना की जाए विशेष तरीके से। इस षष्ठी रूपी चक्र के व्यूह से कौन निकालने वाला है? है कौन निकालने वाला है? एक शिव बाबा ही षष्ठी चक्र के व्यूह से निकालने वाला है और बाकी सब फंसाने वाले हैं। चक्र की व्यूहाकार रचना तो करते हैं, अपने अपने 84 के चक्र को बनाने वाले तो सब हैं स्वयं, उसमें फंसते भी हैं लेकिन उसमें से निकालने वाला कोई नहीं है। महाभारत में चक्रव्यूह की बात आई है, हैं? नाम क्या रखा गया? अभिमान। अभिमानी था या नहीं था? क्या अभिमान था? देह अभिमान क्या था? है भगवान मेरा मामा है और अर्जुन मेरा है बाप है। दुनिया का जो सबसे बड़ा पुरुषार्थी है, सबसे बड़ा धनुर्धर है, वो मेरा बाप है और स्वयं भगवान मेरा मामा है, ये अभिमान ज्यादा था। वो अभिमान काम में आया है? देह अभिमान कोई काम में नहीं आ सकता। वो आत्माभिमानी बनाने वाला बाप ही है जो इसे षष्ठी चक्र के व्यूह से निकालने वाला है। उनको अगर विषय मारते हैं ना? है? उनको अगर विषय मारते हैं ना? वो भी हिंसक युद्ध लड़ने गया था कि अहिंसक युद्ध लड़ने गया था? हैं? वहाँ दिखाते हैं हिंसक युद्ध। वहाँ दिखाते हैं हिंसक युद्ध लेकिन था कौन सा युद्ध वास्तव में? है? था तो अहिंसक युद्ध। उस अहिंसक युद्ध में जानकार को जाना चाहिए या बिना जाने जाना चाहिए? तो था पूरा जानकार है? नहीं। कोई विकारों के युद्ध में घुसना तो जानता हो लेकिन निस्तार न जानता हो, निकलना न जानता हो, तो उसे घुसना चाहिए है? नहीं घुसना चाहिए। तो कौन ले गया उनको उसको युद्ध में? है?
अहंकार ले गया। ऐसे बहुत अहंकारी हैं जो माया के युद्ध में जानबूझ करके प्रवेश करते हैं। नहीं तो बाबा ने कहा है, अगर भाई बहन हैं तो एक साथ सोने की भी क्या दरकार है? भाई बहन को एक साथ सोने की दरकार है? हैं? छोटे बच्चे होते हैं, होने के लिए बात दूसरी है। तुम छोटे बच्चे तो नहीं हो? छोटे बच्चे हो, महात्मा हो या दुरात्मा हो? क्या हो? तो दुरात्मा है तो साथ में सोने की क्या दरकार है? अभिमन्यु ने क्या किया? क्या किया है? यही किया। ऐसे बहुत से भगवान निकल पड़े हैं भारत में, खास करके ब्राह्मणों की दुनिया में, जो अपनों को भगवान समझ करके बैठ गए हैं। वो इस युद्ध में फंस जाएंगे या चक्रव्यूह से बाहर निकलेंगे? क्या रिजल्ट होगा उनका? फंस जाएंगे। और कोई एक की बात, कोई एक अर्जुन है, कोई एक युधिष्ठिर है, कोई एक भीम है, कोई एक पांडव की बात है या पांच पांडव की बात है? जैसे पांच पांडव बताए गए हैं, जो पांच भारतीय धर्म हैं, वो ही पांच पांडवों का इंडिकेशन करते हैं। जैसे सिख धर्म सहदेव कहा गया, तो एक सहदेव है या देवताओं का सहयोग करने वाले अनेकों हैं? अनेकों हैं। एक नकुल की बात है, नकुल माने नेवला, जो विषयी विकारी क्रिश्चियन और इस्लाम जैसे, इस्लामियों जैसे सर्पों को जो विष उगलने वाले हैं, विष पीने वाले हैं, उनको खंडन कर देता है। कौन? नकुल, नेवरा। ऐसे सन्यासी जो न इस कुल के पक्के हैं न उस कुल के पक्के हैं, ऐसे कन्वर्टेड होने वाले क्रिश्चियंस और मुसलमान जो न देवता धर्म के पक्के रहे और न पक्के मुसलमान और क्रिश्चियन बन पाए, क्योंकि जो पक्के मुसलमान और क्रिश्चियन होते हैं वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते ही नहीं। वो कन्वर्टेड सन्यासी आज हिंदुस्तान में काम करते और कल विदेश में जाकर के नाम कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, बड़े बड़े मठपंथ संप्रदाय बना के बैठ जाते हैं। ऐसे सन्यासी एक हैं या अनेक प्रकार के हैं? अनेक प्रकार के। युद्ध स्थिर, युद्ध में स्थिर रहने वाले, देहम वा पातयामे प्राण कार्यम वा साधयामि, देह भली चली जाए लेकिन हम कार्य करके छोड़ेंगे, ऐसी ब्रह्मा जैसी अटल निश्चय वाली आत्माएं जो युधिष्ठिर धर्मराज का पार्ट बजाने वाली हैं, वो एक हैं या अनेक हैं? है? अनेक हैं। ऐसे ही एक अर्जुन की बात नहीं है, एक भीम की बात नहीं है, एक अभिमन्यु की भी बात नहीं है। और जो
सोच समझ कर ही देना। बिल्कुल बाबा ने कहा है कि जो बिना सोचे समझे सरेंडर हो जाते हैं तो वे भी देश में धर्मी होते हैं। ठीक है, सोच समझ के तो सरेंडर होते, सोच सोच के देंगे तो हमारे सोच समझ करते हैं। हाँ ठीक है, भगवान आया हुआ है जब ये पक्का हो गया तो सोचना समझना क्या। भगवान विदेशी बनकर के आया है या स्वदेशी बनकर आया है? जब भगवान खुद विदेशी बनकर के आया है तो हम विदेशी बनकर के सरेंडर हो जाएं तो हर्जा क्या है? और स्वदेशी, स्व माने आत्मा, देशी माने आत्मा के देश में रहने वाला कोई है? है कोई? जब कोई है ही नहीं तो फालतू की बातें क्यों करते? और संकल्प श्रीमत के अनुकूल भी होते हैं और श्रीमत के प्रतिकूल भी होते हैं। तो कौन से संकल्प होना चाहिए? ठोक ठोक के देखना है कि इस संकल्प को बाप स्वीकार करेगा जो संकल्प का भोग हम लगाए रहे हैं, वो संकल्प का भोग भगवान स्वीकार करेगा? नहीं करेगा तो नहीं करना है, स्वीकार करेगा तो करना है। और किसी ने लिखा है योगिनी माँ दूसरे नंबर का कांटा है जो बहुत दुख भोगता है। अरे कांटा दुख देता है या भोगता है? ये क्या लिखा है? खुद ही उसका जवाब लिखा है। परंतु बाबा वो तो अभिचारी राजा बनता है तो वो कांटा कैसे हो सकता है? तो तुम काहे के लिए लिख रहे? पांडवों को लाक्षाग्रह से निकालने के लिए सुरंग खोदने में बहुत तीव्र जो होता है वो सुरंग बनाने वाला कौन है? हैं? कौन? विदुर? वो विदुर ने तो सुरंग खोदने के लिए सुरंग खोदने वाले को भेजा, वो खुद नहीं सुरंग खोदता है। यहाँ तो पूछा है वो सुरंग खोदने वाला कौन है? नदी से लेकर के और लाक्षाग्रह तक जंगल के नीचे नीचे सुरंग खोदते खोदते लाक्षाग्रह तक एक ही रात में सुरंग खोदना ये एक के बस की बात है या अनेकों ने मिलकर के काम किया होगा? हैं? हाँ, ये तो संगठित होकर के कार्य करने की बात है। चुपचाप सुरंग खोदना माने गुफा बनाना, जैसे दिखाते हैं अमरनाथ की गुफा। गुफा का मतलब क्या है? गुप्त। गुप्त में ही ऐसा पुरुषार्थ कर लेना, ऐसा कार्य करके दिखाना जो विरोधियों को पता ही न चले कि ये क्या हुआ और सुरक्षा हो जाए।
हद की सुरंग की बात है या बेहद की सुराग लगाने की बात है? हैं? बेहद की बात है। दूसरा प्रश्न, दीदार माने क्या? हिंदी में कहते हैं तुम्हारे दीदा फूट गए थे जो तुमने ऐसा काम किया। दीदा माने आंखें। शिव बाबा ओबीडेंट सर्वेंट बनकर आया है, ये बात कैसे साबित होती है? अरे ओबीडेंट सर्वेंट अंदर बैठता है या बाहर बैठता है? बाहर बैठता है दरवाजे दरवाजे पर। जब बुलाया जाता है तब आता है या बिना बुलाए कभी भी घुस पड़ता है? हैं? तो शिव बाबा को किसने बुलाया है? तो जिन्होंने जन्म जन्मांतर बुलाया उनका सर्वेंट बनकर आता है या नहीं आता है? सर्वेंट बनकर के आता है। और किस लिए बुलाया, क्या गुहार लगाई? बुलाया तो कोई काम से बुलाया होगा। वो कौन से काम से लिए काम के लिए बुलाया? पतितों को पावन बनाने के लिए बुलाया। तो पतितों को पावन बना रहा है ओबीडेंट सर्वेंट बन रहा है, सेवा करने का कार्य कर रहा है या भाग जाता है बीच में? है? कर रहा है। तो ओबीडेंट सर्वेंट हुआ या नहीं हुआ? जब जब बच्चे माया से हार खा जाते हैं, जैसे सीढ़ी के चित्र में दिखाया है, आए शिव बाबा बचाओ, तो बुलाया या नहीं बुलाया? द्रौपदी ने बुलाया है? तो जब द्रौपदी ने बुलाया तो आता है या नहीं आता है? आता है, द्रौपदी की लाज बचाता है। तो ये माया का युद्ध है, ऐसा माया भी युद्ध में लड़ते लड़ते जो मर भी जाते हैं, हार जाते हैं, तो भी बाबा वचनबद्ध है, मैं किसी को छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं सबको पतित से पावन बना के ले जाऊंगा। तो ओबीडेंट सर्वेंट ही तो हुआ ना। काशी दो हैं, एक नई और एक पुरानी। तो कौन नई है और कौन पुरानी है? एक को कहते हैं दक्षिण काशी। पहले कौन होती है, पुरानी होती है कि नई होती है? पुरानी पहले होती है। तो एक है दक्षिण काशी और एक है उत्तर काशी। काशी माने है काश्य माने तेज जहां भरा पड़ा है। कौन सा तेज? याद का तेज। तो याद का तेज वाली जो काशी है
पवित्रता की आगार जो काशी है वो पुरानी है या नई है? फिर नई कौन है? है? अरे नई दुनिया की पालना करने वाली नई पाल कौन है? कोई है या नहीं है? कौन है जो सदैव ऊंची स्टेज में राज्य करती है, रहती है? एक नेपाल देश ऐसा है जिस पर कोई विदेशी ने कभी आक्रमण नहीं किया। ऐसी नई दुनिया की पालना करने वाली है वो नई पाल है। फिर पुरानी पाल कौन है? जो नई पाल है, नई दुनिया की पालना करने वाली, स्वर्गीय नई दुनिया की पालना करने वाली वैष्णवी देवी है, उससे भी जास्ती पुरानी काश्य को धारण करने वाली कौन है? है? योगिनी माता है। इसलिए शास्त्रों में दिखाया है ज्यादा प्योरिटी लक्ष्मी में है, सरस्वती में है, त्रिदेवियों में है या काशी में है? काशी में ज्यादा प्योरिटी है। वैसे भी देखा जाए तो दुनिया में जो भी माताएं होती हैं, चाहे वो माता हो, चाहे वो दादी अम्मा हो, चाहे वो परदादी हो, तरदादी हो, माताएं तो है ना, ये सब क्या हैं? माताएं हैं या नहीं है? माताएं तो हैं, लेकिन ज्यादा प्योरिटी नई वालों में होती है या पुरानियों में होती है? हैं? पुरानियों में ज्यादा प्योरिटी होती है। जो नई नई माताएं हैं उनमें उतनी प्योरिटी नहीं होती है। इसे साबित होता है कि नई दुनिया स्वर्ग तो बाद में बनेगी, पहले उसका फाउंडेशन पड़ेगा या नई दुनिया बनेगी? पहले फाउंडेशन पड़ता है, और फाउंडेशन अगर कच्चा होगा तो उससे ऊपर बनने वाली सारी बिल्डिंग कच्ची हो जाएगी। फाउंडेशन अगर पक्का होगा तो सारी बिल्डिंग पक्की हो जाएगी। फाउंडेशन कौन सा है ब्राह्मणों की दुनिया में? प्योरिटी। तो वो प्योरिटी का फाउंडेशन सूर्यवंशी ग्रुप में ज्यादा होगा या चंद्रवंशियों में ज्यादा होगा? तो सूर्यवंशियों का जो पहला ग्रुप है वो कितनों का है? अष्टदेवों का है। अष्टदेवों में भी बाप की बात तो छोड़ दो। क्यों? क्योंकि यहां माताओं की बात हो रही है, बाप तो एक ही है, उसे एक का मुकाबला करने वाला कोई दूसरा बाप नहीं हो सकता। तो माताओं की यहां बात है। पुरानी काशी और नई काशी, उसमें जो पुरानी काशी है फाउंडेशन डालने वाली, उसमें प्योरिटी का फाउंडेशन जास्ती है। जिनके लिए बोला है अव्यक्तवाणी में खास ये वाक्य बोला है कि बाप के बगैर बच्चे नहीं रह सकते और बच्चों के बगैर बाप दादा नहीं रह सकते।
जब चाहे तब उनका कनेक्शन हो सकता है। और एक मुरली में बोला है शिवलिंग सबसे बड़ा सन्यासी है, वो हद में नहीं रह सकता, इसलिए उनको घर में नहीं रखते हैं। शिवलिंग की स्थापना कहाँ करते हैं? हैं? या तो शमशान घाट में करते हैं या तो शहर के बाहर करते हैं। सन्यासी तो है, लेकिन हद का सन्यासी है या बेहद का सन्यासी है? वो तो बेहद का सन्यासी है, हद का सन्यासी नहीं है। बेहद का गृहस्थी भी है या नहीं है? हैं? बेहद का गृहस्थी भी है और बेहद का सन्यासी भी है। और गीता पाठशाला चलाने वाले जो 2 महीने तक भी संगठन में नहीं आते हैं, तो उन्हों की क्या शूटिंग होती है? हमारे ज्ञान का लक्ष्य क्या है? कैसा राजा बनना, कैसा नारायण बनना नरसे, जिसका लक्ष्य क्या है? सारी दुनिया में एक धर्म, एक राज्य, एक कुल, एक भाषा हो, तो आपस में संगठित होकर रहेंगे तब ही होगा या बिना संगठन के हो जाएगा? है? संगठन होना चाहिए। इस पुरानी दुनिया में इस्लामियों का संगठन दुनिया में क्यों बड़ा माना जाता है? इसीलिए बड़ा माना जाता है कि वो आज भी संगठित होकर रहते हैं। जिंदगी में कम से कम उनकी लक्ष्य रहता है कि एक बार हम यज्ञ की यात्रा जरूर करेंगे। तो ऐसे ही यहाँ ब्राह्मण परिवार में पता कैसे चले कि ये ब्राह्मण परिवार के साथ संगठित है या नहीं है? है? हैं? हाँ, कम से कम महीने 2 महीने में संगठन में जरूर दिखाई देवे। अगर नहीं दिखाई देता है तो ब्राह्मण परिवार मुंह से कहता है, लेकिन परिवार की उसको कोई दरकार नहीं है। पारिवारिक संगठन उसके देखने में नहीं आता है। हैं? बाबा तो कहा जिनका कनेक्शन ही 2 महीने तक नहीं रहता तो बाबा क्या समझते हैं? मर गया तो मुर्दा है या ब्राह्मण है? वो तो मुर्दा ब्राह्मण हो गया। अच्छा, तो चलो फिर उनके लिए क्या डायरेक्शन है जो 2 महीने तक भी नहीं आते? क्या डायरेक्शन है? हैं?
हाँ, अगर भट्टी करने वालों की भीड़ लग जाए और उनका नंबर ही न लगे तो जैसे अप्रैल मई जून जुलाई ऑल इंडिया में स्टूडेंट्स की छुट्टी का दिन होता है, उन छुट्टी के दिनों में सब जाकर के भट्टी करना चाहते हैं, वहां भट्टी करने वालों की भीड़ लग जाती है। और ऐसे जिन्होंने दो दो तीन तीन महीने क्लास छोड़ दिया है उनको भट्टी करने का परमिशन नहीं मिल पाता, तो क्या करें? तो फिर उनको उनकी गीता पाठशाला तो कैंसिल हो गई, क्योंकि खुद ही संगठन से जुड़े हुए नहीं है। फिर उनको यही कहना है कि तुम रेगुलर क्लास करो, छह महीने तक रेगुलरिटी कायम रहेगी तो भट्टी करने की दरकार नहीं है। उनके बीमारी होने से हैं गीता पाठशाला चलने वाले को, हाँ तो फिर तो कोई बात ही नहीं, जब बीमार हैं तो गीता पाठशाला कैसे चलाएंगे, बेड रेस्ट में हैं तो गीता पाठशाला कैसे चलाएंगे, बंद ही रखो। है कौन दूसरा जाने वाले चलाएंगे, तो जाने वाले अपने घर में क्यों न चलाएं, दूसरे घर में जाकर क्यों चलाना है? लक्ष्मी नारायण का घर होना चाहिए। अच्छा तो लक्ष्मी नारायण टीचर नहीं होने चाहिए, टीचर लक्ष्मी नारायण नहीं होना चाहिए, गीता चला गीता पाठशाला चलाने वाले लक्ष्मी नारायण कैसे बन जाएंगे? है लक्ष्मी नारायण बनना है तो टीचर भी लक्ष्मी नारायण के हाँ टीचर जैसा ही होना चाहिए। और नारायण चला जाता है लक्ष्मी नारायण के मंदिर में से नारायण को निकाल दिया जाता है, शरीर छोड़ देना। अरे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में कहीं कुछ भी शरीर छोड़ता है? वहाँ तो साथ ही साथ जन्म लेना और साथ ही साथ मृत्यु होती है लक्ष्मी नारायण। हाँ क्या गीता पाठशाला में हाँ नारायण ने अगर शरीर छोड़ दिया, माने नारायण जैसा टीचर का लक्ष्य रखने वाला जो है वो शरीर छोड़ देता है और माता अकेली रह जाती है, अगर माता बुजुर्ग है तो बाप उसके साथ नहीं है तो गीता पाठशाला नहीं चला सकती। चला सकती है, बेड रेस्ट में है तो बात अलग हो गई। और संगमयुगी राधे कृष्ण कौन है और सतयुगी राधे कृष्ण कौन है? अरे जल्दी बताओ फिर आगे बढ़े। संगमयुगी राधे कृष्ण और सतयुगी राधे कृष्ण दोनों में किसके माँ बाप का गायन नहीं है? संगमयुगी राधे कृष्ण के माँ बाप का गायन नहीं है, लेकिन सतयुग के जो राधे कृष्ण हैं उनके माँ बाप का तो नाम बहुत बाला है। अच्छा संगमयुगी राधे कृष्ण कौन है? राम और सीता वाली आत्माएं, वो ही संगमयुगी राधे कृष्ण हैं शरीर के साथ, जिनमें राधा कृष्ण की आत्माएं प्रवेश करके पार्ट बजाती हैं। तो जो संगमयुगी राधे कृष्ण हैं संसार में लक्ष्मी नारायण के रूप में विश्व के बादशाह के रूप में प्रत्यक्ष हो जाते हैं,
उनकी प्रत्यक्षता का निमित्त कौन बनता है? कोई बनता है या नहीं बनता है? प्रत्यक्षता रूपी जन्म देने का निमित्त कोई बनता है या नहीं बनता है? बच्चा घर में जन्म लेता है तो कहेंगे प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ, कहेंगे या नहीं कहेंगे? कहेंगे। तो बच्चे को मोहल्ले वालों में, गांव वालों में कोई प्रत्यक्ष करता है कि नहीं? बच्चा आया कौन करता है? माँ बाप कहे जाते हैं जो प्रत्यक्ष करते हैं, मोहल्ले वालों को बताते हैं, गांव वालों को बताते हैं, ढोल मजीरे बजाते हैं, बच्चा आ गया। बजाते हैं कि नहीं बजाते हैं? ऐसे ही एडवांस पार्टी के आदि में और अंत में जो संगमयुगी राधा कृष्ण हैं, उनको जन्म देने वाले, प्रत्यक्षता प्रत्यक्ष करने वाले कोई हैं या नहीं है? कौन है? हाँ, पहले इस्लामी तो मरे, जो मरेंगे देह अभिमान से वो प्रत्यक्ष करेंगे, या जो देह अभिमान से मरे ही नहीं है वो प्रत्यक्ष करेंगे? कौन प्रत्यक्ष करेंगे? जो मरेंगे सो प्रत्यक्ष करेंगे। तो इस्लामियों में सबसे पावरफुल इस्लामी कौन? विधर्मियों में सबसे पावरफुल इस्लामी और उन इस्लामियों में सबसे पावरफुल आत्मा कौन? इब्राहिम तो ऊपर से आता है, वो जिसमें प्रवेश करता है वो आधार मुहूर्त, और आधार मुहूर्त का भी कोई बाप होता है, वो ज्यादा पावरफुल या आधार मुहूर्त ज्यादा पावरफुल है? इब्राहिम जिसमें प्रवेश करता है वो ज्यादा पावरफुल, अर्थात आधार मूर्त आत्मा ज्यादा पावरफुल, या उस आधार मूर्त को भी जन्म देने वाला उसका बाप ज्यादा पावरफुल? बाप ज्यादा पावरफुल। कैसे? कि जब इब्राहिम की आत्मा प्रवेश करती है और वो आंख लड़ाने का व्यभिचारी धंधा भारत में शुरू करती है, तो भारत का जो माहौल है उस माहौल के अनुसार जो उस समय राजा होता है, जो उस आधार मूर्त का भी बाप होता है, सबको भगा देता है। इस्लामी भागे या नहीं भागे? हैं? जब द्वापर युग शुरू होता है, धर्म सत्ता राज सत्ता अलग अलग हाथों में आ जाती है, तो जो विदेशियों का पलायन भारतवर्ष से बाहर हुआ या नहीं हुआ? हैं? अपना अपना प्रोविंस अलग अलग स्थापन कर लेते हैं, मुसलमान भारत में ही प्रोविंस बनाते हैं, राजा ही चलाते हैं, या बाहर भाग जाते हैं? हैं? अरे बाहर भाग जाते हैं। तो भगाने वाला ज्यादा पावरफुल या भागने वाले ज्यादा पावरफुल? भगाने वाले ज्यादा पावरफुल हो गए। तो जो भगवाने वाले थे वो आधार मूर्त को भगाते हैं, उसको फॉलो करने वालों को भगाते हैं या नहीं भगाते हैं? इब्राहिम जिसमें प्रवेश करता है उस आधार मूर्त को, उसके फॉलो करने वालों को, उन व्यभिचारियों को भगाते हैं या नहीं भगाते हैं? तो भागने वाले ज्यादा पावरफुल हुए वो इस्लामी, या भगाने वाले भारतवासी ज्यादा पावरफुल हुए? है तो उसका बच्चा, जैसे महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ क्या था? बच्चा था ना, फिर भी देश निकाला दिया ना, देश निकाला दिया तो कौन पावरफुल हुआ? देश निकाला देने वाला ज्यादा पावरफुल हुआ
या देश से भागने वाला ज्यादा पावरफुल हुआ? देश निकाला देने वाला बाप था, तो वो इस्लामियों का भी बाप हो गया। सबसे बड़े से बड़े सन्यासी हैं जो भारत को छोड़ करके भागते हैं। भागते हैं कि नहीं? भागते हैं, भारत के प्रवृत्ति मार्ग को छोड़ करके विदेशों में चले जाते हैं, कांटों के जंगल में जाते हैं। उनमें पहला नंबर कौन है? जो भागने वाले सन्यासियों का बाप है। सन्यासी तो है पक्का, लेकिन छोड़ के नहीं भागता है, डट के रहता है, वो कौन है? अरे अरे, सन्यासियों में मुख्य सन्यासी कौन बताया है शास्त्रों में? अरे शास्त्रों में, महाभारत में भीष्म पितामह घर को छोड़ के भाग गया या घर में रहा? घर में ही रहा, भारत के अंदर ही रहा, लेकिन छोड़ के नहीं भागा। वो बीज रूप आत्मा है इस्लामियों की। वो एडवांस के आदि में थी या नहीं थी? है, थी। तो उसने ऐसा कौन सा काम किया जिससे संगम युगी कृष्ण की प्रत्यक्षता हो गई? विदेशी भाव को प्रत्यक्ष करते हैं या भारतवासी प्रत्यक्ष करते हैं? तो कौन था वो? वो भीष्म पितामह कौन था? इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्मा कौन थी? उसने क्या किया? है? हाँ, दक्षिण भारत में आकर के, जो दक्षिण भारत भारत का विदेश कहा जाता है, माना जाता है, वहाँ उन आत्माओं को जगाए दिया। वो दक्षिण भारत के लोग बाप का प्रत्यक्ष करने के लिए उत्तर भारत में लाइनबद्ध होकर के आने लगे। तो प्रत्यक्षता का निमित्त माता पिता कौन हुआ? इस्लाम धर्म वाली आत्मा हुई। अभी प्रश्न यही था ना कि संगमगिरी राधे कृष्ण का माँ बाप कौन, जिसकी इतनी महिमा नहीं है जितनी कृष्ण की महिमा है? तो सतयुग के कृष्ण की महिमा है या संगमयुगी कृष्ण की महिमा है? संगमयुगी कृष्ण की महिमा है। और त्रिमूर्ति त्रिमूर्ति दिखाते भी है, परंतु शिव बाबा को उड़ा दिया है। फिर कहते हैं ब्रह्मा के तीन मुख हैं, एक मुख वाला ब्रह्मा कौन है? एक मुख वाला ब्रह्मा कौन है? वो एक मुख वाला ब्रह्मा कौन है? त्रिमूर्ति तो बनाते हैं, लेकिन उसमें से शिव बाबा को उड़ा दिया है। ये त्रिमूर्ति का चित्र देख रहे हैं? इसमें चेहरे को ध्यान से देखो, तीनों चेहरों को। कुछ दिखाई पड़ रहा है? तीनों चेहरों को नजदीक जाके ध्यान से देखो। तीनों चेहरे एक जैसे हैं या अलग अलग हैं? तीनों चेहरे एक जैसे हैं। ब्रह्मा की मूछें हटा दो, विष्णु बन गया, विष्णु का चेहरा बन गया। विष्णु का तामझाम और चक्र सुदर्शन चक्र और वो ताज हटा दो, सिर्फ चेहरा रख दो, तो शंकर बन गया। जटाएं लगा दो,
तो ब्रह्मा का चेहरा भी वही, विष्णु का भी चेहरा वही और शंकर का भी चेहरा वही। तो ब्रह्मा की तीन मूर्तियां यहाँ दिखा दी हैं या अलग अलग मूर्तियां दिखाई हैं? हैं? ब्रह्मा की तीन मूर्तियां दिखाई हैं। भक्ति मार्ग में जैसे ब्रह्मा की तीन मूर्तियां दिखा देते हैं, वैसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में भी ये तीन मूर्तियां दिखाने की शूटिंग हो गई, लेकिन जो असली शिव बाबा है उसको उड़ा दिया है। इसका मतलब यज्ञ के आदि में जो आत्मा थी, जो शरीर छोड़ करके दूसरे जन्म में शंकर का पार्ट बजाती है, उसकी लाश भी गुम कर दी, ऐसे मुरली में बताया। माया का युद्ध लड़ते लड़ते क्या हुआ है? खलास हो गया। तो जो माया का युद्ध लड़ते लड़ते खलास होते हैं वो कहां जावेंगे? नरक में जावेंगे, गड्ढे में जावेंगे या स्वर्ग में जावेंगे? हैं? नरक में जावेंगे। फेल हो गए। कोई ऐसा है जो फेल नहीं होता है? सतयुग के देवताओं में जो 2 करोड़ देवताएं होते हैं, उनमें से कोई ऐसा देवता है जो त्रेता में आके चंद्रवंशी फेलियर नहीं बनता है? हैं? तो सब बनते हैं। तो कोई पहले फेल हो गया, जो पहले फेल हो गया वो ज्यादा फायदे में रहा या जो बाद में फेल होंगे वो ज्यादा फायदे में रहेंगे? ज्यादा अनुभवी कौन हुआ? जो पहले फेल हो गया वो ज्यादा फायदे में रहा। फेल तो सब होते हैं। माया किसी को छोड़ती है क्या? छोड़ती तो किसी को नहीं। और ओम शांति है। मोहिनी दादी का बड़ा बड़ा चित्र बनाते हैं, बना रखे हैं। 3,500 चित्र आया है? नहीं नहीं, 3,500 लोग आए हैं सभी ब्राह्मण। उस चित्र को प्रत्यक्ष करने के लिए तो कोई कोई 20 दिन से 20 साल से कोई कोई ब्रह्मा को मरे उसको सभी को अलंकारित कर रहे हैं। ब्रह्मा को मरे उसका शूटिंग करेगा। बाबा ने कहा है जो जिस धर्म का होगा उसी की प्रत्यक्षता करेगा ना। नहीं, उसमें जो 20 साल से पहले जो है उसको अलंकारित कर रहे हैं। हाँ हाँ, 20 साल पहले का जो है चित्र उसको अलंकृत किया। 20 साल पहले का है या 30 साल पहले का है? मनमोहिनी दादी ने कब शरीर छोड़ा था? मनमोहिनी नहीं, तो नहीं जो आते ना वो ब्राह्मण कुलभूषण है ना, तो ब्राह्मण कुलभूषण में कोई पुराना 20 साल वाला है उसको अलंकृत करके वो रखे हुए एग्जीबिशन रखा है एक मंडप में। जैसे भारतवर्ष में जो गुरु हो गए हैं उन गुरुओं की जो गद्दी पे बैठते हैं उनको गुरु मान करके पूजा करते हैं कि नहीं? ऐसे यहाँ शूटिंग हो रही है। ओम शांति।